नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और लाइव स्ट्रीम सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो मेरे सारे प्यारे से वो दर्शक जो इस्लामिक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, आप सभी को ईद की बहुत सारी और ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और भगवान करे इस तरह और पिछली सारी ईदों की तरह आप लोगों की जो ईद है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी रहे। रघुनंदन किशोर सर जी, वेलकम टू द स्ट्रीम। सॉरी, मैं उसके पहले के कमेंट नहीं ले पाऊंगा, है ना, स्ट्रीम शुरू होने के पहले के कमेंट सॉरी मैं नहीं ले पाऊंगा। और अब हम चालू करते हैं और हमारी जो चैट वाली स्क्रीन है उस स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और ये स्क्रीन भी देख पा रहे हैं। ठीक है। गुलाम दस्तागिर जी पूछ रहे हैं, माय फ्रेंड हार्निया इन लेफ्ट साइड एज 44, नो पेन इन द हार्निया अर्लियर, हियर द सियाटिका, सियाटिका इज नाउ ओके, प्लीज टेल द हार्निया होम्योपैथिक मेडिसिन। जी हाँ गुलाम दस्तागिर जी, हार्निया के लिए जो मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में और नक्स होमिका 200 पोटेंसी में, चार चार गोली सिर्फ दो बार सुबह और शाम को, सिर्फ दो बार लेने की जरूरत है, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, सुबह शाम, दिन भर में सुबह शाम, और कम से कम 2 महीने, मिनिमम 2 महीने फर्स्ट फेज में ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद देखते हैं। प्लीज रेमेडी फॉर द टेप वॉर्म इन स्टूल, सीना इन द 200 पोटेंसी, ओके, स्वेलिंग इन द नेक राइट साइड ड्यू टू द C6 एंड C7 नर्व रूट कंप्रेशन रिलेटेड टू द ऑस्टियोफाइड, लेफ्ट शोल्डर माइल्ड रोटर कफ, राइट साइड फुल्ली ओके। ठीक है, इसके लिए सिकुटा वेरोसा इन द 30 पोटेंसी, गुलाम जी सिकुटा वेरोसा 30 पोटेंसी, रस्टॉक्स 200, दोनों से चार चार गोली दिन भर में तीन बार फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। ठीक है, तिरुमला सर वेलकम टू द स्ट्रीम, निधि वाजपेयी जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग निधि जी, रघुनंदन किशोर सर जी वेलकम टू द स्ट्रीम, प्रियांशु जी नमस्कार, नमस्कार प्रियांशु जी, कैसे हैं आप, विशाल जी वेलकम टू द स्ट्रीम, विशाल जी बोल रहे हैं C6 week प्रेग्नेंट लेडी विद द 2 fibroid 3 and 9 cm ऑल्सो हैविंग द PCOD कंडीशन कैन बी गिव, नो डू नॉट इंटरफियर, विशाल जी बिल्कुल दूर रहिए केस से। अरे शिराज शेख सर जी वेलकम टू द स्ट्रीम, सर जी थोड़ा सा बिजी था इसलिए आपको पर्सनली विश नहीं कर पाया, हैप्पी ईद, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। विशाल जी हाथ मत डालिएगा केस में, बिल्कुल रक्ते से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसको बिल्कुल मत करिए। ठीक है विशाल जी, बिल्कुल दूर रही है, कुछ न मत करना है। एक्चुअली PCOD और फाइब्रॉइड्स ये सब बता रहे हैं कि वर्नरेबल केस है, ये लेडी कोई भी मेडिसिन का रिस्पॉन्स गलत दे सकती हैं और इनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, पक्के में इनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्टिफिकेंट टेंडेंसी होगी, इसलिए प्लीज डू नॉट टच द केस, लीव इट। कमरान खान जी बोल रहे हैं, होम्योपैथ वैक्सीनेशन को बुरा क्यों कहते थे, अच्छा बर्नेट की बात कर रहे हैं, जबकि ये होम्योपैथिक के कंसेप्ट के करीब है। नहीं मुझे नहीं पता सर जी, मुझे ऐसा नहीं पता, और ऐसा कोई बहुत पुरजोर विरोध नहीं हुआ है वैक्सीनेशन का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, शुभंकर डे जी बोल रहे हैं, सर मेरा विथ के अपर बैक में सर, तो सर कमेंट अच्छे से करिए शुभंकर डे जी, अच्छे से कमेंट करिए तब पढ़ पाऊंगा, है ना। अभी अभिक दास जी बोल रहे हैं, सर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट हु हैज बीन सफरिंग फ्रॉम द ड्राइनेस ऑफ द आई, फीलिंग ऑफ द ड्राइनेस ओनली ऑन द वेकिंग विच कॉजेज द इंजुरी ऑन द ओपनिंग ऑफ द आई। अभिक दास जी शायद आप चैनल पे नए नए जुड़े हैं, मेरे होम्योपैथिक एजुकेशनल वीडियो वाली लिस्ट खोल के देखिएगा, वहां पे मैंने एक वीडियो बनाया कि देयर इज नथिंग लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, मैंने बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है, और वो वीडियो आप देख लोगे ना तो आपके दिमाग में पक्का सेट हो जाएगा कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जैसी कोई चीज नहीं होती होम्योपैथी में, जाकर के वीडियो देखिए, अभी समझ में नहीं आएगा, वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा, और आपको आपके कमेंट का जवाब खुद मिल जाएगा। 33 ईयर ओल्ड लेडी है, आंखों के नीचे राई के दाने जैसे पिंपल, हल्के पाइल, कूलर, नो पेन, ठीक है थूजा दीजिएगा, है ना अनिल प्रजापति जी, थूजा इन द 30 पोटेंसी एंड CPI इन द 30 पोटेंसी। ठीक है, शैलेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं, सर कार्बोवेज के साथ रोडोडेंड्रॉन यूज किया जा सकता है क्या, बिल्कुल कर सकते हैं शैलेंद्र कुमार जी, कोई दिक्कत नहीं है ना।
ठीक है, ये हो गया। मैं क्या ऊपर चला गया क्या? कमेंट वापस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। शुभंकर डे, मेरे वाइफ को अपर बेक में चूली है। व्हाट इज चूली सर? क्या लिख रहे हैं आप, थोड़ा सा अच्छे से लिखिए ना सर प्लीज। चूली मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ, व्हाट इज चूली? एक साल से फोर एज नहीं, आप अच्छे से कमेंट करिए। आशीष सिंह जी बोल रहे हैं फेस लेफ्ट साइड इंजुरी। ठीक है, फेस लेफ्ट साइड इंजुरी, 8 ईयर से पेन है। स्पाइजिलिया दीजिए प्लीज, है ना, स्पाइजिलिया। ये है ट्राइजेमिनल न्यूरेलजिया हो सकता है। ठीक है, फेस एग बोलते हैं जिसको, तो स्पाइजेलिया इन द 30 पोटेंसी, है ना आशीष सिंह जी। स्पाइजेलिया 30, चार चार गोली 3 बार, एक मेरे ख्याल में 1 महीने दीजिए अगर आप 8 साल की बात कर रहे हैं। कैन गुलाम दस्ती जी बोल, कैन वी गिव डाइल्यूशन टू द फीमेल फीमेल चाइल्ड? सर जी, फीमेल चाइल्ड ऑफ 40 डेज, ना ना कोई डाइल्यूशन नहीं देना है। डाइल्यूशन के खिलाफ हूँ गुलाम दस्तगीर जी, मैं डाइल्यूशन के खिलाफ हूँ। मैं डाइल्यूशन नहीं देता अपने किसी भी पेशेंट को, और मैं बहुत नाराज हो जाता हूँ। ऐसा सवाल आगे से मत करिएगा, कोई डाइल्यूशन नहीं देना है। ठीक है, सुबोध रंजन मिश्रा जी, सर प्रणाम, वेलकम टू द स्ट्रीम। सर मेरे वाइफ को अपर वेयर में, सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप किस चूली की बात कर रहे हैं प्लीज। आर्यन अंशु जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर जी, सॉरी मैं हर बार आपसे ही आपके ही बात पहुंचता हूँ। मैं आपकी दवाई से फैटी लीवर ठीक कर चुका हूँ, अब मुझे सिरोसिस का डर नहीं, कोई डर नहीं है। मैं हर बार एक ही चीज बोलता हूँ, मैं कभी अल्कोहल नहीं लिया। नहीं नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं होगा, दिमाग से निकाल दो। कोई फैटी एटी लीवर सही हो गया ना, कुछ नहीं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी। निधि वाजपेयी जी पूछ रहे हैं सर अस्थमा हो और सांस लेने में बहुत सफोकेशन हो, बिल्कुल भी सांस नहीं लेने को, कौन सी मेडिसिन दें? अमोनियम कार्बाइड मेडिसिन, याद रखिएगा, है ना। जनरली इस प्रॉब्लम के लिए निधि जी बार बार लोग बताते हैं अलग अलग मेडिसिन, आर्सेनिक एल्बम दे दो। हाँ, जब प्रैक्टिकल अस्थमेटिक अटैक होगा और बंदा वाकई में दम घुट रहा है उसका, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन होगी दैट इज द अमोनियम कार्ब। अभिषेक सिंह जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर, गाउटी, ठीक है, हाई यूरिक एसिड पेन, एक्सट्रीम स्टिफनेस इन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट लेग नी एंड बिहाइंड, ठीक है, पेन स्वेलिंग स्टिफनेस रेडिएटिंग टू द बैक। कुछ भी मत करिए अभिषेक सिंह जी, रस्टॉक्स 200, ड्राइनिया 200, चार चार गोली 3 बार बिना कोई पलटे पीछे पलटे 1 महीने तक लगातार खाइए, उसके बाद बात करते हैं। आशीष सिंह जी बोल रहे हैं बैक पेन, नी पेन राइजिंग सिटिंग वाइल, ठीक है, वाइल पेन, नेक पेन, मॉर्निंग बैक पेन। 2 मेडिसिन बता रहा हूं, पहली मेडिसिन है स्पाइजेलिया इन द 30 पोटेंसी और दूसरी जो मेडिसिन है दैट इज रस्टॉक्स इन द 30 पोटेंसी। आशीष सिंह जी चार चार गोली दिन भर में 3 बार मिनिमम 1 महीने के लिए। अनिल जी पूछ रहे हैं मेडिसिन प्लीज की जगह है हो, पिल्स की जगह 6 हो गए तो सॉरी सर, पिंपल के लिए मेडिसिन प्लीज। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अच्छे से कमेंट करिए, जो भी है अच्छे से कमेंट करिए। गुड टू बी बैक इन द स्ट्रीम आफ्टर 2-3 वीक, होप यू आर डूइंग वेल सर। हाँ सर बिल्कुल, मैं विशाल जी बहुत अच्छा हूँ और बहुत अच्छा लगा आप स्ट्रीम पे आए। आशीष सिंह जी बोल रहे हैं एज 65, माउथ से पानी रात को बहुत ज्यादा निकलता है, माउथ से पानी निकलता है, गैस, पेट सख्त रहता है। अब एक काम करिए, जितना मैं कमेंट समझ पा रहा हूँ आशीष सिंह जी, चाइना दीजिए और मर्क्सोल दीजिए, मर्क्सोल इन द 30 पोटेंसी एंड चाइना इन द 30 पोटेंसी, चार चार गोली दिन भर में 3 बार। शिराज शेख सर जी बोल रहे हैं यूर डेली शॉर्ट्स आर सो मच गुड, मोर पर्टिकुलरली When you warn with the contraindication. Yes sir, thank you sir. अभी कोशिश कर रहा हूँ सर शॉर्ट बनाने की। एक्चुअली पता है मेरे को एक बात समझ में आई शिराज शेख सर जी, शॉर्ट बनाना एक कला है, एक वीडियो बनाने से ज्यादा कठिन काम एक शॉर्ट बनाना में, क्योंकि हमको 60 सेकंड में सारी चीजें करनी है, बड़ा कठिन लग रहा है मेरे को तो। अभिक दास जी बोल रहे हैं सो सर वट विल बी द रेमेडी फॉर द ड्राइनेस ऑफ आई ऑन द वेकिंग When the belladonna and netramure do not work. इसके लिए देखिए, जो भी करेंगे आपको अभिक दास जी, ये कंटिन्यूएशन में आपको मेडिसिन देनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो मैं एक मेडिसिन यहाँ पे आपको, बेलाडोना को हटा दीजिए आप,
नेट्रम्यूर ठीक है, और एक सल्फर आप दीजिए, है ना, सल्फर इन द 30 पोटेंसी एंड नेट्रम्यूर इन द 30 पोटेंसी, और थोड़ा सा रिपर्ट्री का भी रेफरेंस लीजिए। और 7 साल की बीमारी है, बहुत टाइम लगने वाला है, मैं अभी बता रहा हूँ। और डेस्परेशन में सही दवा बदल देते हैं हम लोग, होम्योपैथ सबसे बड़ी गलती यही करता है, हमको ये पता ही नहीं कि क्रॉनिक डिजीज के लिए हम लोग बहुत कम समय लेके चलते हैं, आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा। माय ब्रदर्स आई फ्लोटर्स प्रॉब्लम फ्रॉम द 15 इयर्स, करंट एज 38। गुलाम दस्तागिर जी, द मेडिसिन इज फॉस्फोरस दीजिए, 30 पोटेंसी, 4-4 गोली दिन भर में 3 बार बस, और मेरे ख्याल में 1 महीने देकर देखिए फिर बताइए मुझे। भोजराज जाट जी बोल रहे, नमस्कार सर जी, मैंने आपको दिखाया था गाउटी अर्थराइटिस, मुझे बहुत आराम है, 2 महीने से मेडिसिन दिया था, 2 महीने का मेडिसिन दिया था। वेरी गुड सर जी, भोजराज जाट जी बहुत आराम है, दिखाया था गाउटी अर्थराइटिस में, मुझे बहुत आराम है। ठीक है सर जी, व्हाट्सएप पे वापस आइए, पर्चा रिवाइज करते हैं आराम को और आगे लेके जाते हैं। प्रियांशु जी बोल रहे हैं, सर मैं फर्स्ट ईयर BHMS का स्टूडेंट हूँ, सर ऑर्गेनन को स्टडी करने का टिप्स दीजिए, फुट नोट्स जरूर पढ़ लेना, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनन में जो अफोरिज्म ऊपर से जाएगा ना, वो अफोरिज्म के बीच बीच में कहीं कहीं फुट नोट्स का रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनन को अच्छे से समझना है पहले तो बहुत जरूरी है, और ऑर्गेनन को अच्छे से समझना है तो कैंट ने लिखी है लेक्चर ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी, इतनी पतली सी किताब है, वो लाइब्रेरी में जाइए ढूंढिए, उसका रेफरेंस लीजिए। और फुट नोट्स अगर समझ ऑर्गेनन समझना है तो फुट नोट्स कभी भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, शुभंकर डे जी बोल रहे हैं, सर मेरे मॉम को बोथ नी ज्वाइंट पे बहुत पेन है, स्वेलिंग है, लेग भारी भारी लगता है। ठीक है शुभंकर डे जी, द मेडिसिन इज द एपिस इन द 30 पोटेंसी दीजिए, और ब्राइनिया इन द 200 पोटेंसी, एपिस इन द 30 पोटेंसी, ब्राइनिया 200 पोटेंसी, दोनों से 4-4 गोली दिन भर में 3 बार 1 मंथ दीजिए, फिर मुझे बताइए। पार्थ सारथी जी पूछ रहे हैं, मेडिसिन फॉर द जेनेटिक बाल्डनेस, जेनेटिक बाल्डनेस के लिए मेडिसिन जो है दैट इज द बेराइटा कार्ब, बेराइटा कार्ब 200 पोटेंसी में 4-4 गोली दिन भर में 2 बार 6 महीने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, 6 महीने के लिए, 6 महीने के पहले पलट के देखना नहीं है और 6 महीने के पहले कोई इंटरप्रिटेशन करना नहीं है। ठीक है, उसको रोका जा सकता है, अगर आप ये सोच रहे हो 6 महीने दवा खाएंगे और जेनेटिक बाल्डनेस में बिल्कुल हरियाली सर पे से उगाएगी तो नहीं होने वाला। ठीक है, हमको अपने जेनेटिक कोड को ढोना पड़ता है, हमको जेनेटिक पैतृक रूप से जो बीमारियां मिलती हैं उनको हमको भुगतना ही पड़ता है, इसके अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता। सुबोध रंजन मिश्रा जी बोल रहे हैं, 35-35 साल का व्यक्ति है, प्रायः कुछ अनहोनी होने का भय बना रहता है, पारिवारिक जीवन बिल्कुल अच्छा है। पूजा 200 एंड आर्सेनिक एल्बम 30, सुबोध जी 4-4 गोली 3 बार 1 महीने के लिए दे दीजिए, पूरा माइंड सही हो जाएगा। विच मेडिसिन कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर द चाइना, गुलाम दस्तागिर जी एक काम करिए, चाइना का रिलेशनशिप खोल करके देख लीजिए विलियम बोरिक में। ठीक है, इसके आगे क्या नहीं देना है, पीछे क्या नहीं देना है, कौन सी इनिमिकल है, कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको। ठीक है, सैम जी बोल रहे हैं, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग सैम जी, गुलाम दस्ते आई मीन कैन बी गिव होम्योपैथिक मेडिसिन टू द इन्फेंट इफ द एज इज 2 मंथ, नो वी कांट, 6 महीने से छोटे इन्फेंट को कोई दवा नहीं देनी है। शमिष्ठा कनौज जी बोल रहे हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग शमिष्ठा जी, कैसे हैं। निधि वाजपेयी जी बोल रहे हैं, सर अस्थमा के लिए प्लीज बताइए, एक पेशेंट है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मेडिसिन। सर मैडम निधि वाजपेयी जी, मैंने आपके कमेंट का जवाब दे दिया है, आप लोग प्लीज कमेंट करके चुपचाप थोड़ा सा बैठा करिए। ठीक है, इधर उधर मत हुआ करिए। निधि जी मैंने अमोनियम कार मेडिसिन बताई है, 30 पोटेंसी, 4-4 गोली 3 बार 15 दिन के लिए। ठीक है, निशांत कुमार जी बोल रहे हैं, चलिए मैं सपोर्टर के कमेंट पहले ले रहा हूँ फिर वापस आ रहा हूँ उस पर। रघुनंदन किशोर सर जी बोल रहे हैं, नमस्कार सर जी, केस ऑफ द फिचुला फॉर मोर देन 1 ईयर, गिवन द मेडिसिन टिल नाउ साइलिशिया कल्केरिया सल्फ। ठीक है ठीक है, एक काम करिए रघुनंदन किशोर सर जी, ये सेडा मार के जो मेडिसिन है इसको हटा दीजिए, कैलिफॉस हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है कैलिफॉस का, सिर्फ साइलिशिया बर्बेरिस बुल्गारिस और कल्केरिया सल्फ के साथ जाइए, बस कंटिन्यू करिए। ठीक है, बट द डिस्चार्ज समटाइम मोर सर जी, इट में बी क्योर डेफिनेटली इट, रघुनंदन किशोर सर जी ये बिल्कुल फिस्टुला सही होगा और डंके की चोट पे होगा और हंसते हंसते होगा, बस यू नीड टू डू द प्रोलॉन्ग एंड द कंटिन्यूस ट्रीटमेंट, दैट इज द ओनली कंडीशन विच वी रिक्वायर। ठीक है,
वो जो सेटम करके जो मेडिसिन उसको हटा दीजिए, कैलिफॉस हटा दीजिए, साइलिशिया 200, बर्बेरिस बुल्गारिस 200, और हमको देना है कल्केरिया सल्फ 200, बस ये मेडिसिन दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग सर जी, 2062 ईयर, हाई बीपी फॉर्म 25, बट फॉर द लास्ट 2 मंथ द फ्लक्चुएशन इंक्रीज्ड। निशांत कुमार जी, कुछ भी नहीं करना है ऐसे केस के अंदर, हमको कुछ भी फ्लक्चुएशन वाले केस को मत टच करिएगा, क्योंकि आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन में फ्लक्चुएशन मतलब कभी हाइपरटेंशन कभी हाइपोटेंशन, अगर हाइपोटेंशन में बंदा ज्यादा गया तो फिर मरण है उसका। ठीक है, तो लीव दिस केस अप टू द एलोपैथिक प्रैक्टिशनर। ठीक है, संतोष यादव जी बोले, नमस्कार सर जी, 20 साल की महिला को 10 दिन से डायरिया से के साथ यूरिन में जलन हो रहा है। 10 दिन से डायरिया भी हो रहा है और यूरिन में जलन भी हो रहा है, कुछ भी मत करिए। चाइना सॉरी पोडोफाइलम 30 एंड एलो सोरकंटीना 30, ये दो मेडिसिन दीजिए संतोष यादव जी, लगातार एक हफ्ते तक हो जाएगा। उपेंद्र बोझा जी बोले, गुड इवनिंग, नमस्ते डॉक्टर सर। नमस्ते सर जी। शुभांकर डे जी बोल रहे हैं, डॉक्टर सर मेरे वाइफ के अपर बैक में टीनिया इन्फेक्शन है, सीपिया दीजिए सर जी। शुभांकर डे जी, सीपिया 30 पोटेंसी, 4-4 गोली 3 बार 1 मंथ के लिए। राम प्रसाद पांडे जी बोल रहे हैं, 5 ईयर्स चाइल्ड सफर फ्रॉम द फ्रिक्वेंट फीवर कोल्ड फ्लेगम इन द एवरी मंथ। ठीक है, चाइल्ड इज एक्टिव, काइंडली सजेस्ट द मेडिसिन। कुछ भी मत करिए, पल्सेटिला इन द 30 पोटेंसी एंड डलकामारा इन द 30 पोटेंसी। ठीक है राम प्रसाद जी, पल्सेटिला 30, डलकामारा 30, 4-4 गोली दिन भर में 3 बार 1 मंथ के लिए। उपेंद्र मोदा जी, द मेडिसिन इज द थूजा फॉर ओवर थॉट एंड एंग्जाइटी ड्यूरिंग द स्लीप ओनली। ठीक है, मोहम्मद सुलेम खान जी, गुड इवनिंग जी। हेमंत सिंह जी बोल रहे, प्रणाम सर जी, शॉर्ट साइटेडनेस के लिए सिनेरेरी, अरे मत करिए, नहीं होगा सही। शॉर्ट साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ऐनक लगाना ही पड़ेगा, मत माथा पोड़ी करिए। एज 50, थोड़ा सा खुश खाने से पेट में अफरा बन जाता है, पेट सख्त रहता है, भूख कम लगती है, तो महसूस होता है कि खाली पेट से कैप्सूल खाते हैं। ठीक है आशीष सिंह जी, लाइकोपोडियम एंड चाइना है ना, लाइकोपोडियम 30 एंड चाइना 30। भवानी डे जी बोल रहे हैं, हाय डॉक्टर सर, हाय आप कैसे हैं। वेटसॉफ्ट गेमर जी पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब योर वीडियो इन द मॉर्निंग ऑन द काउंटर इंडिकेशन ऑफ द साइलिशिया, इट इज अप्लीकेशन ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑन द लेंस इन द कैटरेक्ट। नो नॉट एट ऑल, लेंस पे नहीं है। ठीक है, लेंस के ऊपर, ये कैटरेक्ट के ऊपर जो लेंस डलता है उसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है वो, है ना। केडी सोलंकी जी बोल रहे हैं, सर अगर किसी को होम्योपैथी में पोस्ट ग्रेजुएट में प्राइवेट कॉलेज में स्टाइपेंड मिलता है क्या? प्राइवेट में तो मिलेगा नहीं, भूल जाइए, गवर्नमेंट में भी शायद ही मिलता हो, मुझे नहीं पता, है ना, मुझे नहीं पता, मैंने एमडी नहीं किया, ना मेरे को करना थी, ना मैं करना चाहता हूँ, ना मैं करने को कहता हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस लाइन में आना है, अगर आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है सर जी, तो आपको एमडी की कहीं से कहीं तक कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भवानी डे जी बोल रहे हैं, बोल रही हैं, मेरे बोथ नी पेन में बहुत बहुत पेन है, ऑल टाइम विद द स्वेलिंग, वॉकिंग टाइम में लेग बहुत भारी भारी लगता है, वेट जो है 60 है। रस्टॉक्स 200 भवानी डे जी, रस्टॉक्स इन द 200 पोटेंसी, ब्राइनिया इन द 200 पोटेंसी, 4-4 गोली दिन भर में 3 बार फॉर 1 मंथ मिनिमम, 1 मंथ के बाद का फीडबैक दीजिए। अमित जी बोल रहे हैं, सर क्या BHMS के बाद में 2 जगह पर क्लिनिक खोल सकता हूँ, डिस्टेंस 40 किलोमीटर। हाँ बिल्कुल अमित जी, खोल सकते हैं। मैं एक्चुअली अपने इनिशियल फेज के अंदर मैंने पहली क्लिनिक स्लम में खोली थी, उसके जस्ट 1 साल बाद 2007 में, और 2008 में सेम डेट पे मैंने थोड़ी सी दूर पे एक दूसरी क्लिनिक खोली थी, क्योंकि एक क्लिनिक मेरी स्लम एरिया में थी जहाँ पे मेरे को ज़्यादा पेशेंट चाहिए थे पर पैसा कम मिलता था, और दूसरी क्लिनिक पॉश एरिया में थी जहाँ पे पैसा अच्छा मिलता था पर पेशेंट कम थे। तो अगर 40 किलोमीटर पे आप मैनेज कर पाओ, ठीक है, तो वेल एंड गुड, कर सकते हैं। सर जी, फीमोपिस मेजिटन का रिजल्ट कितने दिनों में मिलेगा?
हेमंत सिंह जी टू बी वेरी फ्रेंक आज तक नहीं मिला यार, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच्चा आदमी हूँ। जो चीज मेरे को पता रहती है मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, और जो चीज मेरे को नहीं पता रहती वो भी मैं वो ज्यादा चिल्ला के बोलता हूँ। फिमोसिस के केस पे मेरे को आज तक रिजल्ट नहीं मिला यार, सॉरी मैं क्या बताऊं। मैं अभी कर रहा हूँ 1-2-3 केसेस के ऊपर काम कर रहा हूँ, 6-6 महीने हुए हैं, देखिए अगर कुछ मिलेगा तो पक्का शेयर करूंगा। कभी इसलिए वीडियो भी नहीं बनाया इस पे मैंने, इसलिए कारण क्या है, वीडियो नहीं बनाया ना सर। टीथ में कैविटी को फिलिंग करवाने के लिए ही अब कौन मेडिसिन बताए जिससे कैविटी आगे नहीं लगे? क्रियोसोट, क्रियोसोट इन द 200 पोटेंसी, मर्कसोल इन द 30 पोटेंसी, चार चार गोली दिन भर में सिर्फ 2 बार लीजिए 1 मंथ। भवानी डी जी बोल रहा सर प्लीज हेल्प मी। भवानी डी जी मैंने आपका कमेंट का जवाब ऊपर दे चुका हूँ, थोड़ा सा स्ट्रीम को वापस रिवाइंड करके देख लीजिएगा। कीर्तिराज सोलंकी जी बोल रहे हैं सर रिस्पेक्टिवली क्या BHMS के बाद में आपकी इनकम मंथ में एक आईफोन 14 ले सकते हैं क्या? BHMS के बाद देखिए कीर्तिराज सोलंकी जी, ऐसा है कि अगर आज आप मुझसे पूछो तो मैं तो ले सकता हूँ, ठीक है, बट तुरंत बाद आप नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि आपको कोई जानता नहीं। पर अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या मैं अपनी 1 महीने की इनकम से एक आईफोन 14 ले सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल ले सकता हूँ, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप अब आप ले अब तुम ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे कीर्ति राज, ये उसके ऊपर है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर कितना दम है, ठीक है। और आपका जो सवाल है ना उससे मेरे को लग नहीं रहा है कि आपके दिमाग के अंदर वो बात है कि आप 10-20 साल भी प्रैक्टिस करोगे तो शायद आप आईफोन 14 तक पहुंच पाओ, ठीक है। क्योंकि जब कुछ आता नहीं है तो किस चीज का पैसा मिलेगा, आप सीधी सी बात बताओ। जब नॉलेज ही नहीं है एक स्टूडेंट को BHMS करने के बाद, आता ना जाता भारत माता, तो किस बात का पैसा मिलेगा? मेरे को चीजें आती है, मेरे को चीजें आती है, और उसका पैसा मेरे को मिलता जा रहा है 16 साल से, और आगे और मिलेगा, ठीक है। ठीक है, अभी चलो ये हो गया। प्रज्वल राव जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर, स्लो डाइजेशन है, ठीक है, एंड कॉन्स्टिपेशन है इन द समर में, ठीक है, ऑल्सो नीड गाइडेंस फॉर द पोस्ट ग्रोविड गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। कुछ भी मत करिए, चाइना लीजिए सबसे पहली चीज, चाइना एंड लाइकोपोडियम इन द 30 पोटेंसी, दीज टू मेडिसिन आर वेरी एम्पल एंड सफिशियंट, चार चार गोली 3 बार मेरे ख्याल में 15 दिन के लिए। आशीष सिंह जी बोल रहे हैं सर 35 एंकल पेन है, बैक पेन है, स्टैंडिंग एग्रेवेशन है, ठीक है, एंकल पेन है, बैक पेन है, स्टैंडिंग सिटिंग वाइल अमेलोरेशन है, 3 फिंगर में नमनेस है, ब्राइनिया इन द 200 पोटेंसी, पहली मेडिसिन ब्राइनिया इन द 200 पोटेंसी एंड लीडम पाल। प्रज्वल राव जी नहीं आशीष सिंह जी, ब्राइनिया 200 पोटेंसी, लीडम पाल इन द 30 पोटेंसी, चार चार गोली 3 बार फॉर 1 मंथ। निधि वाजपेयी, जो जेनेटिक अस्थमा को ठीक नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। निधि वाजपेयी जी बहुत एक्सपीरियंस्ड और लर्नेड प्रैक्टिशनर होगा ना, अब मैं अपना नहीं बोलना चाहता कि मेरे जैसा, वैसे मेरा मतलब वही है, वो अब तो बहुत इजीली हो जाता है। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि 2 सिस्टम जो सबसे ज्यादा टफ होते हैं ट्रीट करने में, ये मैं 16 साल का निचोड़ बता रहा हूं, सबसे पहला होता है यूरिनरी ट्रैक्ट, कि यूरिनरी ट्रैक्ट की जो जितनी भी प्रॉब्लम होती है, सिस्टाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बहुत कठिन है सही करना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और सेकेंड जो सिस्टम है सबसे ट्रीट करने में सबसे कठिन लगता है होम्योपैथ को, वो सिस्टम है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारियां, ठीक है। थैंक यू फॉर योर रिप्लाई, वेलकम वेलकम गुलाम जी। उपेंद्र बोधा जी बोल रहे हैं 10-year-old बॉय गैस पास फ्रॉम द डाउनवर्ड, वेरी मच हंगर इवन ईट आफ्टर, खाने के बाद भी हंगरी होता है, और नीचे से बहुत सारी 10 साल का बच्चा गैस पास करता है, द मेडिसिन इज द लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम इन द 30 पोटेंसी, 4 पिल्स 3 times a day फॉर 20 days। मोहम्मद सुलेमान जी बोल रहे हैं सर मुझे बुखार और खांसी हो गया है, 15 दिन से एलियम सेपा और पल्सेटिला ले रहा हूँ, बुखार और खांसी तो ठीक है लेकिन गला बहुत दुख रहा है। बढ़िया मोहम्मद सुलेमान जी, बिल्कुल सही मेडिसिन है, 1 हफ्ते और खा लीजिए ठीक हो जाएगा, क्योंकि मौसम हमारा अप डाउन हो रहा है। इस मौसम की खासियत मैं बताऊं कि भारत के ज्यादातर हिस्सों के अंदर गर्मी नहीं पड़ रही है, थोड़ी सी गर्मी पड़ती है, इवनिंग तक बारिश हो जाती है। तो इसके कारण क्या होता है कि हम लोगों की जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, कि जिसको बुखार है वो बुखार खींचा जा रहा है, जिसको सर्दी खांसी है वो सर्दी खांसी ड्रैग हुई जा रही है। तो मेडिसिन आप ठीक ले रहे हैं, फायदा भी है, थोड़ा कंटिन्यू करिए।
सर A61 थायराइड प्रॉब्लम है, TSH है 9, TSH 9 6 9, ये 9 6 9 क्या है आशीष चंगी, ये 9 है कि 6 है कि 9 है ये बताइए पहले मुझे। मेडिसिन सुन लीजिए, थायरोडिनम इन द 30 पोटेंसी, थूजा 200, चार चार गोली 3 बार 2 महीने तक, 2 महीने बाद एक बार वो करा लीजिएगा, ठीक है। रघुनंदन किशोर सर जी बोल रहे हैं, थैंक यू सर। लोन जी पूछ रहे हैं, एज 63 मेल, फाउल स्मेल इन द स्टूल, ठीक है, स्टिकी स्टूल भी है, पेन इन द बोथ द जॉइंट्स, वीकनेस मेंटल एंड फिजिकल, कार्बोवेज दीजिए, कार्बोवेज इन द 200 पोटेंसी, चार चार गोली दिन भर में 3 बार, एंड एसिड फॉस, जी हाँ एसिड फॉस या फॉस्फोरिक एसिड, चार चार गोली दिन भर में 3 बार 2 महीने के लिए, मिनिमम 2 महीने दे दीजिए, बढ़िया हो जाएंगे। प्रियांशु जी बोल रहे हैं, सर मेरे पास है लेक्चर ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी की बुक, मैं आज से ही स्टडी करना स्टार्ट करता हूँ। हाँ करिए ना, बहुत बढ़िया है। देखो ऑर्गेनन से बहुत कुछ सीखा मैंने, मेरे को लिटरली बता रहा हूँ कि ऑर्गेनन को मैं शुरू से देखिए, मैंने गिड़गिड़ाया ही नहीं भाई, कितना बड़ा नुकसान कर लिया इसमें अपना। भाई ये लाइक कर दीजिए, इतना सारा आदमी देख रहा है, इतना तंग दिल मत बनिए, और शाम पड़े बद्दुआएं मत लीजिए डॉक्टर की, गरीब डॉक्टर की, तो प्लीज डू लाइक द स्ट्रीम, ठीक है। सब लोग जो 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 लोग लाइक, सब लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। हाँ मैं आ रहा हूँ ना वहां पे, थैंक सर जी फॉर द लिप रिप्लाई, ठीक है। मूर्ति शिपल्ली सर जी वेलकम टू द स्ट्रीम, नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं आ रहा हूँ, कमेंट पे आ रहा हूँ, मैं पहले सपोर्टर के पहले कमेंट लूंगा। अरे विनीत मेहता मैम वेलकम टू द स्ट्रीम, गुड इवनिंग सर, होप ऑल इज वेल ऑन योर एंड, यस मैम हर चीज बहुत अच्छी है। रघुनंदन किशोर सर पूछ रहे हैं, सर जी अ 35 ईयर फीमेल केस, ब्लडी पाइल्स है, ठीक है, पेन इन लेग, स्वेलिंग फ्रॉम 1 ईयर, ठीक है, पेन राइट लेग के अंदर स्वेलिंग है, एक ही पैर के अंदर, ठीक है, सर। रघुनंदन किशोर सर जी बिल्कुल अप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन है। नहीं 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 रघुनंदन सर जी आप याद करिएगा, कुछ स्ट्रीम पहले की बात बता रहा हूँ कि कुछ स्ट्रीम पहले मैंने आपको कंपैरिजन बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हेन द पर्सन हैव द स्वेलिंग इन बोथ द लेग्स एट द सेम टाइम, और अगर उसके एक पैर में स्वेलिंग है, क्योंकि जब दोनों पैरों में स्वेलिंग आती है तो कारण जनरल होता है, समझिए मेरी बात, जनरल कारण है, ऐसा कारण है जो साथ में दोनों पैरों पर स्वेलिंग कर रहा है, वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है किडनी का फेल हो जाना, साथ में स्वेलिंग आती है, ऐसा नहीं होता किडनी फेल हो रही है, एक पैर पे स्वेलिंग है दूसरे पे नहीं है, हार्ट फेलियर लीवर फेलियर, तो यहाँ पे अगर एक पैर पे स्वेलिंग है तो कारण जनरल नहीं है, लोकल है, और वो लोकल कारण उस पैर में ही है, ठीक है। तो अगर आप ये पाइल्स की मेडिसिन आप देंगे, और पाइल्स की मेडिसिन के अंदर जो खासियत है कि वो ब्लड वेसल पे काम करती है, तो ये जो स्वेलिंग है ये ऑटोमेटिकली चली जाएगी, निश्चिंत रहिए, है ना सर। अब मैं थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ, हाँ आशीष सिंह जी मैंने बता दिया आपको, थूजा 200 और वो जो दूसरी मेडिसिन है थायरोडिनम 30, ठीक है। आशीष सिंह जी बोल रहे हैं 160 नींद ना आने से पैर ठंडा हो जाता है, नींद ना आने से टेंशन हो जाता है, थूजा दीजिए सर जी, थूजा 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 इन द 200। एस के अब्बास जी पूछ रहे हैं सर 35 सर एज 35 बुक्स पढ़ने में कठिन लगती हैं, कोई भी पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता है, कोई भी पढ़े तो याद नहीं होता है, इथ्यूजा साइनेपियम, है ना एस के अब्बास जी, इथ्यूजा साइनेपियम 30 पोटेंसी में चार चार गोली 3 बार 1 महीने के लिए। बेट्स ऑफ गेमर पूछ रहे हैं सर मेडिसिन फॉर द सियाटिका ऑन द लेफ्ट साइड, पेन इन द हिप जॉइंट, पेन इन द बोन, तो सोते अंडर द नी गोस टू द नी इंजुरी, अमोनियम कार्ब, है ना, बेस्ट बेट्स ऑफ टू गेमर जी, अमोनियम कार्ब इन द 30 पोटेंसी चार चार गोली 3 बार। उपेंद्र बोंदा जी पूछ रहे हैं सर ब्रोंकाइटिस आफ्टर टीबी अटैक 6 मंथ एट ATT ट्रीटमेंट डन, व्हाट इज द होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन होगी कल्केरिया कार्ब इन द 30 पोटेंसी एंड कल्केरिया फॉस इन द 200 पोटेंसी, उपेंद्र बोंदा जी, चार चार गोली 3 बार 2 महीने के लिए। समिष्टा कनौज जी बोल रहे हैं सर फीमेल एज 32 हेमरेजिक सिस्ट इन द राइट ओवरी, हेमरेजिक सिस्ट इन द राइट ओवरी, एपिस मेलिफिका इन द 30 पोटेंसी एंड पल्सेटिला इन द 30 पोटेंसी, शमिष्ठा जी चार चार गोली 3 बार फॉर 1 मंथ। गुलाम जी पूछ रहे हैं सर यू सजेस्ट द सिकुटा 30 एंड रस्टॉक्स फॉर द माई नेक पेन, इफ आई गेट टू द मेंशन आई फील इलेक्ट्रिसिटी फीलिंग इन माई
लेफ्ट हैंड वो तो होता ही है, वो तो सर्वाइकल में कॉमन फीचर है गुलाम दस्तीर जी, ये तो होता ही है। आशीष सिंह जी बोल रहे हैं एज 34 जाड़े जाड़ में पास हो गई है पेन। सर थोड़ा सा आशीष सिंह जी कमेंट अच्छे से करिए प्लीज, प्रॉपरली करिए तो ही पढ़ पाऊंगा, तकलीफ हो रही है, बहुत सारे पेंडिंग है। अतीब पटेल जी बोल रहे हैं माई फादर एज 50 से एंजियोप्लास्टी को कराए, 2 महीने हुआ है, अभी एसिडिटी और ब्लॉटिंग रहता है। एसिडिटी एंड ब्लॉटिंग के लिए कल्केरिया कार 30 दीजिए अतीब पटेल जी, एंड पल्सेटिला 30 चार चार गोली 3 बार फॉर 20 डेज, और 20 डेज के बाद जो भी स्ट्रीम आए उस पर रिजल्ट बताइए, आगे का फॉलो अप ले लीजिएगा। उपेंद्र बोंदा जी बोल रहे हैं सर, उपेंद्र बोंदा जी क्या बोल रहे हैं, एक मिनट टाइम कितना हो गया, हाँ उपेंद्र बोंदा जी बोल रहे हैं सर एनी होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर द रिकरेंट टीबी इन्फेक्शन ट्यूबरकुलिनम 200 पोटेंसी, ठीक है, वीकली डोज देना पड़ेगा और 1 महीने तक मतलब 4 डोज देने पड़ेंगे, मे बी शायद और ज्यादा। मानस कुमार जी बोल रहे हैं, मानस कुमार गोस्वामी जी बोल रहे हैं नमस्कार सर, नमस्कार जी। आशीष सिंह जी बोल रहे हैं 40 आ रहा हूँ वहीं आ रहा हूँ। हमारे सपोर्टर विशाल जी बोल रहे हैं समवन हु इज अल्कोहलिक एंड ड्रिंक्स एवरी वीकेंड हैवीली, व्हाट मेडिसिन आई कैन गिव हिम द प्रिकॉशन एंड टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट, नक्सवोमिका विशाल जी, इन द 200 पोटेंसी चार चार गोली 3 बार मैं बोलता हूँ 1 महीने तक लगातार दे दीजिए, ठीक है 1 महीने तक लगातार दे दीजिए। अब चलिए अब मैं यहीं से कमेंट लेता हूँ, एक सेकेंड। मुकेश सक्सेना सर बोल रहे हैं फीमेल एज 60 हैविंग द बैक पेन ड्यूरिंग ड्यू टू द इंजरी बाय स्लिपिंग ऑन द बैक, ठीक है, पेन एग्रेवेट ऑन द स्टेयर्स, कैन द रस्टॉक्स एंड रूटा, आर्निका सर जी, रस्टॉक्स एंड रूटा आर गुड मेडिसिन बट द आर्निका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एहसान खान जी बोल रहे हैं सर 2 मंथ से म्यूकोसिल है, 1 मंथ से थूजा नाइट्रिक एसिड और कल्केरिया फ्लोर 6x ले रहा हूँ, 6 कुछ कम हुआ है, बस सेम मेडिसिन। अनिश खान जी बिल्कुल अच्छी मेडिसिन है, कंटिन्यू करिए मेडिसिन। ऊपर जिनके कमेंट छूट गए हो नीचे वापस कर दीजिए स्लीप प्लीज, है ना, बहुत सारा पेंडिंग चल रहा है और थोड़ा सा है ना, और यही कारण है देखिए सपोर्टर बैच का ये इंपॉर्टेंस है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका हर कमेंट पढ़ा जाए, क्योंकि देखिए अब ज्यादा लोग जुड़ने लग गए स्ट्रीम पे, अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है हर एक कमेंट पढ़ना, तो ज्यादा बेटर है चैनल पे आप जाएंगे आपको सपोर्टर बैच मिलेगा, ज्वाइन बटन पे जाएंगे और वहां पे 3 लेवल है सिल्वर गोल्ड और डायमंड, उसके हिसाब से आप जहां पे भी सपोर्ट करना चाहें अगर सपोर्टर बैच ले लेंगे तो सपोर्टर बैच का फायदा है, मैं आपको कमेंट पहले ले लूंगा, ठीक है, ये सपोर्टर्स के लिए ये हमारी तरफ से एक पार्क है। तो अब क्या आप ऐसा टाइम आ गया कि वाकई में कमेंट छूटने वाले हैं, समझिए आप, है ना। अमन जी बोल रहे हैं 29 मेल हैंड्स की फिंगर इनवॉलेंट्री शेक होते हैं कभी कभी, माइल्ड एसेंशियल, अच्छा माइल्ड एसेंशियल ट्रीमर जैसा है, मेडिसिन मर्कसोल दीजिए, मर्कसोल इन द 30 पोटेंसी चार चार गोली दिन भर में टीम। बाकी बख्शी जी बोल रही हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप। आशीष सिंह जी बोल रहे हैं सर 14 एज 14 सर एक्जिमा की मेडिसिन 2 मंथ से दे रहा हूँ आर्सेनिक ग्रेफाइटस, ठीक है, इरप्शन तो ठीक है पर ईचिंग और बर्निंग, बस 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 बहुत बढ़िया, बीच बीच में सल्फर के धक्के लगाइए आशीष सिंह जी, सल्फर 30 के डोज आप बीच बीच में वीकली देते रहिए और बकाया आर्सेनिक और ग्रेफाइटिस के साथ पिले पड़िए वो सही हो जाएगा। शुभांकर डे जी पूछ रहे हैं सर मेरे ब्रदर को अपर जॉ के लास्ट टूथ पर कैविटी लग गई है, बहुत ज्यादा पेन है, कुछ भी नहीं कर सकते शुभांकर डे जी, रूट कैनाल कराइए नहीं तो एक दिन रात में उठ के बैठ जाने वाले हैं ये, वो बहुत तकलीफ होगी। अनिश कांत जी बोल रहे हैं सर ये हो चुका है वाला कमेंट ले चुका हूं मैं। मानस कुमार जी बोल रहे हैं 13 ईयर गर्ल हैविंग द ल्यूकोरिया ऑल्सो इट वॉज बिफोर द मेनार्की, ठीक है, बिफोर द कंसिस्टेंसी इज लाइक द पोराइजा, बिल्कुल कोलोफाइलम, मानस कुमार जी कोलोफाइलम इन द 30 पोटेंसी एंड कल्केरिया कार्ब इन द 30 पोटेंसी, कि मेनार्की के पहले ही बच्चियों को ल्यूकोरिया चालू हो जाता है, ठीक है, आज देख रहे हैं आजकल हम, और वो कई बार 6-6, 8-8 महीने चलता है, पता चला उसके बाद पीरियड चालू होता है, तो कोलोफाइलम 30 कल्केरिया कार्ब 30। संतोष यादव सर जी बोल रहे हैं यूरिन बर्निंग विद द डायरिया में एलोपोडोफाइलन 1 वीक दिया है बट यूरिन में बर्निंग विद म्यूरेटिक एसिड दीजिए, हाउ कैन यू फॉरगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिन में बर्निंग भी हो रहा है
और डायरिया भी हो रहा है, द मेडिसिन इज द म्यूरेटिक एसिड इन द 30 पोटेंसी, या एसिड म्यूर 30 पोटेंसी है ना। संतोष यादव जी चार चार गोली तीन बार, मानस कुमार जी बोल रहे हैं 30 ईयर वुमेन हैविंग द हील पेन एग्रीवेटेड बाय द रेस्ट, ठीक है, लेस इन द मूविंग, एग्रीवेट होता है लेस रेस्ट पे बट लेस इन द मूविंग, ठीक है, पल्सेटिला इन द 30 पोटेंसी मानस कुमार जी एंड रस्टॉक्स 200 चार चार गोली दिन भर में तीन बार। आशीष सिंह जी जो टीएसएच बता रहे हैं नो है, आशीष सिंह जी मैं जवाब दे चुका हूं। अभिषेक सिंह जी बोल रहे हैं सर इन द लास्ट लाइव यू सेड दैट द होम्योपैथिक डॉक्टर शुड अंडरस्टैंड द लिमिटेशन इन द सीरियस स्टेज एंड द पेशेंट डू कलेप्स ड्यू टू देयर ईगो, इंडिया नीड द डॉक्टर लाइक यू हु आर सो ऑनर्ड एंड रिस्पेक्ट टू यू। थैंक यू अभिषेक सिंह जी। और यहाँ पे एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूंगा कि अभी मैं आपको यहाँ पे लाइव कर रहा हूँ ना, मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर इतना बाहर जाकर के प्रैक्टिस करी है कि एक आदमी की मौत कितनी देर में होती है और कितनी देर में बदन ठंडा होता है, ये मैंने अपनी क्लिनिक की प्रैक्टिस के अंदर शुरू के 5 साल में ही 10 बार एक्सपीरियंस कर लिया था। मैं इतने सीरियस केसेस के अंदर कूदा हुआ हूं, मैं ऐसे ही आप लोगों को ज्ञान नहीं बांट रहा हूं यहाँ पे बिना हाथ बेयर हैंड, ठीक है। मेरी प्रैक्टिस उस लेवल की रही है कि मेरे को रात को 2 बजे यहाँ के हमीदिया हॉस्पिटल से फोन आता था, रात को 2 बजे वहां से फोन आता था कि जो पेशेंट मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है जिसका, सर हमने उसको एडमिट कर दिया है। तो मतलब मैंने इस एक्सटेंड तक घुस के प्रैक्टिस करी है कि मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता। वो तो अब मैं 40 साल का हो गया हूं और पेशेंट की मौत की खबर जो होती है ना, वो वाकई में दिल को, अब थोड़ा सा बीवी बच्चे वाले हो गए हैं तो थोड़ा सा मेंटली कमजोर हो गया हूं, इसलिए मैंने अब ये बहुत पहले, मैंने इनफैक्ट 6-7 साल पहले ही ये सब छोड़ दिया था। नहीं तो मैंने ऐसे ऐसे केसेस करे हैं कि MI का अटैक मेरी क्लिनिक पे मेरे पेशेंट को आया है। मैंने क्लिनिक में मेरे सामने वाली चेयर पे एक पेशेंट था, उसका मैं आपको बताऊं कि उसका स्प्लीन इतना बड़ा था ब्लड कैंसर में कि आपको दूर से नंगी आंखों से उसका स्प्लीन दिखता था, आप सोचो कितना बड़ा होगा। उसका हमने सब कुछ ठीक कर दिया था बट अनफॉर्चुनेटली एक दिन उसका फोन आया उसके घर वालों का कि सर इसकी तबीयत खराब हो रही है, वो मेरे क्लिनिक लेके आया और मेरे आंखों के सामने उसको स्ट्रोक आ गया था। तो आप सोचिए इस हद तक मैंने प्रैक्टिस करी है और मैंने इसलिए लिमिटेशंस को एकदम एक्सट्रीम पे जाकर के मैंने महसूस करा है, मैंने अपने लिमिटेशंस को वाकई में टेस्ट करा है। और इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि एक डॉक्टर का ईगो सिर्फ पेशेंट की मौत के अंदर रिजल्ट देता है और कुछ भी नहीं होगा। और डॉक्टर्स के अंदर इतना ज्यादा ईगो है ना कि वाकई में इतना ज्यादा ईगो है ना जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर एंड BHP 67 ग्राम। सेठी कुमार जी क्लिमेटिस इरेक्टा 30 पोटेंसी और बेराइटा कार 200 पोटेंसी चार चार गोली दिन भर में तीन बार, ठीक है। मानस कुमार जी बोल रहे हैं 7 ईयर, मैं जल्दी जल्दी कमेंट निपटा रहा हूँ, 7 ईयर बॉय हैविंग द कफ फॉलोड बाय द फीवर, आइलियम सेपा 30 मानस कुमार जी एंड पल्सेटिला 30 चार चार गोली दिन भर में तीन बार। उपेंद्र जी बोल रहे हैं थैंक यू सर, वेलकम उपेंद्र जी। विकास कुमार जी बोल रहे हैं एज 50 स्वेलिंग इन द लेफ्ट फिंगर पेन इन द जॉइंट ऑफ द फिंगर लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी एंड एक्टीआई स्पाइकेटा इन द 30 पोटेंसी विकास कुमार जी चार चार गोली दिन भर में तीन बार। पकरू SK जी पूछ रहे हैं सर दिमाग में भारीपन रहता है, गुस्सा ज्यादा आता है, पागलपन जैसा रहता है, अर्जेंटम नाइट्रिकम लीजिए नहीं तो लिटरली पागल हो जाएंगे। पकरू SK जी अर्जेंटम नाइट्रिकम इन द 30 पोटेंसी चार चार गोली दिन भर में तीन बार। उपेंद्र बोंदा जी बोल रहे हैं 28 ईयर ओल्ड एडिक्टेड टू मच अल्कोहल कंजम्पशन, एनी मेडिसिन, कोई मेडिसिन नहीं है, कंबल में लपेटो पिटाई लगाओ और नशा मुक्ति केंद्र छोड़ दो, सब पेल पाल के सही कर देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और देखिए काफी सारे लोग नए आते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं, प्लीज डू लाइक द स्ट्रीम सर, थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, क्यों हनीमैन भगवान का आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, बद्दुआएं चाहिए मेरी, है ना, तो इसलिए प्लीज डू लाइक द स्ट्रीम। दिव्या जी बोल रहे हैं सर क्रॉनिक बर्निंग सीवियर पेन इज बेटर आफ्टर द एसिड नाइट्रिक BD, ठीक है, नेट्रम्यूर पर वीक, शुड आई कंटिन्यू नाइट्रिक एसिड डेली, डेफिनेटली, हु सेड यू दैट यू कांट गिव नाइट्रिक एसिड 200 डेली। दिव्या जी ये मैंने कब बोला, नाइट्रिक एसिड 200 चार चार गोली तीन बार खिलाई है, मैं नाइट्रिक एसिड को 200 के नीचे यूज ही नहीं करता हूँ। अभिषेक सिंह जी बोल रहे हैं रिक्वेस्ट टू द ऑल द व्यूअर लाइक द स्ट्रीम, और प्लीज माइंड मत करिएगा, मेरे को सारे कमेंट लेने पड़ रहे हैं और मेरे बस में नहीं है वो सारे कमेंट ले पाना, तो अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा प्रगाढ़ इसमें आपकी इच्छा है कि मैं आपके सारे कमेंट लूं,
तो प्लीज डू लाइक द स्ट्रीम, और आप एक सपोर्टर बैच ले लीजिए, भले से सिल्वर लेवल का सपोर्टर बैच ले लीजिए, ठीक है। तो उसमें यह होगा कि एटलीस्ट सपोर्टर के कमेंट में नहीं छोड़ूंगा, और मेरे सपोर्टर इतने अच्छे हैं कि उनको पता है पर के पर, वो लोग भी वेट करते हैं, देखिए नीचे मेरे सपोर्टर का कमेंट है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा कमेंट लेने की। रघुनंदन किशोर सर जी बोल रहे हैं, सर जी अ केस ऑफ द 40 ईयर फीमेल ब्रेस्ट स्वेलिंग एंड हार्डनेस फ्रॉम 2 मंथ गिवन द मेडिसिन कोनियम मैक ब्राइनिया, नो ब्राइनिया इज नॉट इंडिकेटेड सर जी, रघुनंदन सर ब्राइनिया निकाल दीजिए, ब्राइनिया की जगह कल्केरिया कार्प रखिए, फाइटोलक्का इज ओके एंड द प्रिस्क्रिप्शन इज कंप्लीट, ठीक है। अभिषेक सिंह जी बोल रहे हैं, अच्छा मैंने वो कर दिया। उपेंद्र बोंदा जी बोल रहे हैं थैंक यू सो मच। अनिस खान जी बोल रहे हैं सर क्या एक साथ दो अलग अलग बीमारी के लिए होम्योपैथिक ले सकते हैं, लेनी पड़ेगी ना भाई। अनिस खान जी लेनी नहीं पड़ेगी, नहीं तो क्या एक बीमारी आप छोड़ दोगे। अगर किस्मत अच्छी है कि हमारी दोनों बीमारी को हमने एक मेडिसिन से कवर कर लिया तब तो ठीक है ना, बट आजकल जो बीमारियां हो रही उनमें ये हो नहीं पाता, तो अलग अलग मेडिसिन तो लेनी ही पड़ेगी और लेनी चाहिए। बेस्ट वीडियो जी बोल रहे हैं लो एच डी एल एंड क्रिएटिन लेवल देन नॉर्मल रेंज, लो बीपी लो एच बी, अरे सर जी अच्छे से कमेंट कर दो यार, एहसान करो, पहले इतने सारे कमेंट है कि सबके कमेंट लेना मुश्किल हो, ऊपर से एंड बन कमेंट मत करिए, ठीक है। ऋषभ कुमार जी बोल रहे हैं गुड नाइट सर जी, भाई भाई लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हो। हाँ देखो ऋषभ कुमार जी भी नाराज हो रहे हैं, लाइक कर दो, इतने तंगे दिल ना बनो भाई। सर क्रॉनिक बर्निंग सीवियर आई पेन इन इज बेटर आफ्टर एसिड, सर मैं दिव्या जी कमेंट का जवाब दे दिया मैंने आपके, है ना, आप दे सकती हैं नाइट्रिक एसिड 200 डेली दे सकती है, नेट्रम्यूर भी डेली दे सकती हैं, आप पायोडी के चक्कर में पड़ी हो। समिस्टर जी पूछ रहे हैं मेल एज 38 हैड द डॉग बाइट 2 ईयर बैक, एरिया ऑफ द इंजुरी लुक ब्लैक रफ थिक, द पैच इज इंक्रीजिंग इन द साइज, आर्निका दीजिए, है ना समिष्ठा जी, आर्निका इन द 30 पोटेंसी दीजिए, चार चार गोली दिन भर में 3 बार। सेठी कुमार जी मैं जवाब दे चुका हूँ, क्लिमेटिस इरेक्टा 30 एंड कल्केरी एंड बेराइटा कार्ब 200, चार चार गोली दिन भर में 3 बार 2 महीने के लिए। कमेंट तो सुन लिया करिए, कमेंट करने के बाद जवाब बंदा दे रहा, थोड़ा सबर रखो तो तब तो सुनाई देगा। प्रेमचंद सिंह पटेल जी बोल रहे हैं एज 42 मेल राइट आई पेन मोबाइल स्क्रीन 2 मिनट भी देख लेता है तो दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है, धूप से गर्म हवा ठीक है, सल्फर 30 यूज करते हैं पर आराम नहीं, एकोनाइट दीजिए ना प्लीज, एकोनाइट इन द 30 पोटेंसी, एकोनाइट इन द 30 पोटेंसी, ठीक है। निखिल कुमार जी बोल रहे हैं सर प्लीज मेरे कमेंट ऊपर छूट गया, निखिल कुमार जी वापस कमेंट करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। और यही चीज है कि अगर आप चाहते हो सपोर्टर बैच ले लीजिए, 89 रुपीज पर मंथ है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है, उससे यह होगा कि आपका कमेंट मिस नहीं होगा, इस बात का अश्योरेंस है, ठीक है। अभिदास जी बोल रहे हैं सर रेमेडी सल्फर इवन इन द 30 पोटेंसी राइजेस द बिलीरुबिन ऑफ द पेशेंट विटनेस 3 to 4 times, सो व्हाट विल द अल्टरनेटिव मेडिसिन, द अल्टरनेटिव मेडिसिन विल बी द सोराइनम सर जी, है ना, हमको सोरा को सप्रेस करना है ना, सोराइनम दे दीजिए। डॉक्टर दिव्येश व्यास सर बोल रहे हैं नमस्कार सर, 48 फीमेल डायग्नोस्ड मल्टीपल रीनल सिस्ट इन द बोथ किडनी विद द टाइनी स्टोन ऑन द बोथ साइड, कंप्लेंट ऑफ द पेन इन द ग्रोइन, हेमेचूरिया है, कैन आई गिव द, ना देखिए लाइपोपोडियम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कल्केरिया कार्ब डॉक्टर साहब दिव्येश व्यास सर बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एपिस को विड्रॉ कर लीजिए आप, है ना, और कैंथारिस मिला दीजिए, कैंथारिस इन द 200 पोटेंसी, लाइकोपोडियम 30 एंड कैल्केरिया कार 30 लगातार दीजिए एंड एंटायरली अवॉइड द सिस्ट इन द किडनी। में हमेशा बोलता हूँ, मैंने हमेशा ये चीज बोली है, हमेशा आप लोगों को बताया है कि डू नॉट डू एनीथिंग रिगार्डिंग द रीनल सिस्ट, रीनल सिस्ट इनोसेंट सिस्ट होते हैं, और मेडिकल फील्ड का नियम है कि जब तक बीमारी हम में उंगली नहीं करेगी हम बीमारी को उंगली नहीं करेंगे, क्योंकि जो उंगली पहले करेगा उसका खात्मा है, अगर आपने उसके अंदर पहले उंगली करी तो फिर बीमारी मार डालेगी पेशेंट को, इसलिए मत करिए, रीनल सिस्ट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता और ना ही जरूरत है करने की। इमरान खान जी बोल रहे हैं सर 5 साल से कोलाइटिस विद द कॉन्स्टिपेशन, खाने के बाद भारीपन 40 दिन से नक्स वोमिका सल्फर, इमरान खान जी एक थोड़ा सा एहसान करिए, अभी रिसेंटली एक वीडियो आया कोलाइटिस के ऊपर, चैनल पे जाइए वीडियो को पूरा देखिए, उसमें मेडिसिन जो बताई है पोडोफाइलम 30 एंड एलो 30 वो लीजिए। दिव्या जी बोल रही है थैंक यू सर, गोपाल शर्मा जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गोपाल जी, हाउ आर यू,
आशीष सिंह जी बोल रहे हैं प्लीज सब लाइक करो लाइव स्ट्रीम को। देखो हैनीमैन का शराब लगेगा ठीक है, और एक भी दवा काम कर जाए तो मेरा नाम बदल देना। अगर बिना लाइक करे, तुम लोगों ने दवा पूछा और बिना लाइक करे छोड़ के चलेगा स्ट्रीम, घंटा काम नहीं करेगी दवा, लिख लो। रघुनंदन किशोर जी बोल रहे हैं थैंक यू सर जी, अरे वेलकम सर जी। गोपाल शर्मा जी बोल रहे हैं टुडे आई वॉज लेट ड्यू टू द पावर सप्लाई। अरे कोई बात नहीं गोपाल शर्मा जी, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो लगभग आधा घंटा है। डॉक्टर जगदीश सर जी वेलकम टू द स्ट्रीम। डॉक्टर ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी इज वेरी गुड इन द समर ड्यू टू द हाई टेम्परेचर पेशेंट विल गेट द सिम्टम ऑफ द गीडीनेस विद द वोमिटिंग फॉर द इमीडिएट रिलीफ प्लीज मेंशन द मेडिसिन। द मेडिसिन इज सर जी नेट्रम कार्ब। डॉक्टर जगदीश सर जी नेट्रम कार्ब इन द 30 पोटेंसी, और साथ में आप दे सकते हैं जेल्सीमियम इन द 30 पोटेंसी, चार चार गोली दिन भर में 3 बार। शुभांकर डे सर पूछ रहे हैं सर जी मेरे आर्मपिट में थोड़ा नीचे वाट है, थूजा लीजिए सर जी। शुभांकर डे सर थूजा इन द 30 पोटेंसी, चार चार गोली दिन भर में 3 बार, एंड द सेकंड मेडिसिन विल बी द सीपी इन द 30 पोटेंसी, 4 पिल्स 3 times a day। मुकेश सक्सेस प्लीज सॉरी जितने भी लोगों के कमेंट ऊपर छूटे हैं आप लोग वापस से कमेंट करो, अब मैं रैपिडली पढ़ूंगा, मेरी मजबूरी है समझिए। कम से कम कितने कमेंट आ गए होंगे, 129 तो व्यू आ चुके हैं, आप सोचिए अब कमेंट कितने आ गए होंगे, कम से कम 200 कमेंट 300 कमेंट आ चुके हैं। मेन एज्ड 37 हैज द ब्लॉटिंग इन द एब्डोमेन विद द इंक्रीज द पल्स ऑफ द ठीक है 110 इरेक्टेशन गेव द रिलीफ स्टूल फाउल स्मेलिंग टेकिंग द लाइकोपोडियम। मुकेश सक्सेना सर जी लाइकोपोडियम है ही नहीं, और आपके कमेंट में पेशेंट की एज को अगर हटा दें और लाइकोपोडियम के पहले तक ये पूरी की पूरी लाइन जो है कार्बोवेज की है, ये कार्बोवेज में लिखी है और ऐसी की ऐसी लिखी है कि ब्लॉटिंग इन द एब्डोमेन और इंक्रीज्ड पल्स, मतलब पल्स रेट बढ़ जाता है, पल्पिटेशन होता है और इरेक्टेशन से जो उसको फायदा मिलता है, स्टूल जो है फाउल स्मेलिंग चिपचिपी स्टूल होती है जो कि कमोड पे चिपक जाती है, इंडियन सीट पे चिपक जाती है। द मेडिसिन इज द कार्बोवेज 200 चार चार गोली द दिन भर में 3 बार, लाइकोपोडियम बंद कर दीजिए, लाइकोपोडियम इज नॉट द मेडिसिन। आशीष सिंह जी बोल रहे हैं एज 40 बॉय पर ब्लैक पैर क्या चीज ब्लैक कलर के स्पॉट, पैर पर ब्लैक कलर के स्पॉट हैं, इचिंग है, बर्निंग है, फैटी लीवर है। पल्सेटिला आशीष सिंह जी, पल्सेटिला इन द 200 पोटेंसी एंड द आर्निका इन द 30 पोटेंसी, चार चार गोली दिन भर में 3 बार, और अभी फैटी लीवर के लिए अभी कुछ नहीं करेंगे फिलहाल में, ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी नहीं करेंगे। निखिल कुमार जी बोल रहे हैं सर जैसे ही इरेक्शन आता है पेनिस से चिपचिपा पानी निकलने लगता है, ठीक है, यूरिन के साथ स्पर्म भी जाते हैं, एसिड फॉफ लीजिए सर जी, है ना, प्रोस्टेटोरिया है, दिस किस प्रॉब्लम किस निखिल कुमार जी, प्रॉब्लम का नाम प्रोस्टेटोरिया है, एंड द मेडिसिन इज द एसिड फॉस 200 पोटेंसी में एंड सेलेनियम इन द 200 पोटेंसी में, चार चार गोली दिन भर में 3 बार, बिल्कुल हो जाएगा काम। गोपाल शर्मा जी बोल रहे हैं आई डू नॉट वॉन्ट टू यू मिस यूर लाइव सेशन। अरे कोई बात सर जी, कोई बात नहीं सर जी, गोपाल सर जी आपके लिए वो पूरा वीडियो बन के वो चैनल पे आ ही जाता है, अगर किसी कारणवश मिस हो जाता है यू कैन वॉच इट लेटर। डॉक्टर नाउ आई स्टॉप टेकिंग द थूजा एंड टेकिंग द ब्राइनिया एंड रस्टॉक्स 4 pills TDS बट स्टिल पेन इज नॉट सबसाइडेड मच। अब सर नाउ इज द टाइम ऑफ सल्फर, रस्टॉक्स और ब्राइनिया सेम चलने दीजिए, रस्टॉक्स ब्राइनिया सेम चलेगी डॉक्टर जगदीश सर जी, और अब जो है अब सल्फर का टाइम आ गया है, सल्फर इन द 200 पोटेंसी, चार चार गोली दिन भर में सिर्फ 2 बार लीजिए। अगर आप रस्टॉक्स ब्राइनिया TDS ले रहे हो 3 बार ले रहे हो तो आप सल्फर को आप सुबह शाम कर दें, थूजा बंद कर दें, आपका इंप्रूवमेंट और बढ़ने लगेगा। मानस कुमार जी बोल रहे हैं सर माय 13 इयर्स डॉटर सफर फ्रॉम एवरी टाइम शी यूज गोल्ड इयररिंग, हाउ टू गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन एंड द हीलिंग। इसके लिए आप एक काम करिए, हीपर सल्फ दीजिए इन द 200 पोटेंसी लगातार दीजिए, है ना सर जी, हीपर सल्फ इन द 200 पोटेंसी एंड आर्सेनिक एल्बम इन द 200 पोटेंसी, चार चार गोली दिन भर में 3 बार। शुभांकर डे सर बोल रहे हैं थैंक यू सर जी, वेलकम जी। अलाहाबादी ब्लॉगर विकास जी पूछ रहे हैं एंग्जाइटी की वजह से लेफ्ट चेस्ट पेन है, एंग्जाइटी की वजह से लेफ्ट चेस्ट पेन फील होता है दिन भर जबकि हार्ट की सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। अरे मैं बता रहा हूँ ना, इलाहाबादी ब्लॉगर जी का परेशान हूँ, बढ़िया मेडिसिन बता रहा हूँ,
लाइकोपोडियम इन द 30 पोटेंसी, ठीक है, लाइकोपोडियम इन द 30 पोटेंसी आपको लेना है, चार चार गोली दिन भर में तीन बार, सुबह दोपहर और शाम को लीजिए, और सिर्फ 15 दिन लेकर के मेरे को प्लीज बताइए। प्रेमचंद सिंह पटेल जी बोल रहे हैं मेज फोबेल 14 ईयर कॉन्स्टिपेशन है, कसरसेन क्यू, हाइड्रास्टिस क्यू, करिया पपाया क्यू, यूज करते समय आराम रहता है, दवा बंद करते ही कॉन्स्टिपेशन। तो सर जी प्रेमचंद सिंह पटेल जी, मैं इसलिए तो मदर टिंचर छोड़ दिया यूज करना, क्या मतलब पेशेंट ने इतना मेरे को मदर टिंचर का भी आपने जिसको दी होगी उसने पैसा दिया होगा आपको, फिर जब वो वहीं का वहीं आ जाता है तो सबसे बड़ा रिस्क पता है क्या हो जाता है, ये हमको छोड़ के भाग जाएगा एक दिन, अरे यार उनसे तो काम ही नहीं होता, वो तो यार उनकी दवा तो जब तक लो तब तक फायदा करती है और जब दवा बंद कर दो तो फिर वो वहीं में आ जाता है। तो इसलिए ज्यादा बेटर है ब्राइनिया 200 और एल्यूमिना 200 दीजिए, चार चार गोली दिन भर में तीन बार, ये सब बंद करिए और मदर टिंचर छोड़ दीजिए। अपनी प्रैक्टिस के अंदर बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो प्लीज मदर टिंचर छोड़ दीजिए, प्रैक्टिस में एक बार मदर टिंचर से अलग हटके प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आएगा इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे होम्योपैथिक मेडिसिन से इन द 30 एंड 200 पोटेंसी। हेमंत सिंह जी बोल रहे हैं सर जी 40 व्यूअर्स बट द 16 लाइक ओनली द लिसनर्स, प्लीज फर्स्ट मेक द लाइक एंड देन व्यू। हाँ हेमंत सिंह जी बिल्कुल सही है सर जी, लाइक पहले करिए बाद में देखिए, बाद में आप अपने कमेंट करिए। डॉक्टर जगदीश सर बोल रहे हैं थैंक्स अ लॉट डॉक्टर, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ यू एंड इन नाइट फ्रॉम 10 to 11 आई यूज टू सी यूअर वीडियो एंड मेकिंग द नोट्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। अमन जी बोल रहे हैं बैड स्मेल फ्रॉम शूज एंड सॉक्स, रोज सॉक्स बदलिए, कोई इलाज नहीं है इसका इसका कोई भी इलाज नहीं है अमन जी, ठीक है, आपको कोई मेडिसिन नहीं है एक्चुअली इस चीज की, वो तो होता ही है ना, दैट इज बट नेचुरल, क्योंकि हम लोग क्या है ना सॉक्स इतनी अच्छी क्वालिटी के, जनरली एक मिडिल क्लास के साथ यही रहे 10 रुपए वाला, मतलब ना सॉक्स ऐसी क्वालिटी के होते हैं ना शूज ऐसी क्वालिटी के होते हैं। वैसे आपके लिए एक मेडिसिन बता सकता हूँ, दैट इज द साइलिशिया इन द 30 पोटेंसी, है ना, साइलिशिया इन द 30 पोटेंसी 4 pills 3 times a day। अलाहाबादी ब्लॉगर जी बोल रहे हैं ओके सर, और अलाहाबादी ब्लॉगर विकास जी ओके थैंक यू सर। चलिए अब चलिए मैं जो है मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं बंद कर दूं क्योंकि अब कमेंट हो गए खत्म, अगर किसी को कुछ और पूछना है तो जल्दी से पूछ लीजिए, ठीक है, और सॉरी मैं थोड़ा सा ऊपर के आपके कमेंट जो है वो नहीं ले पाया, अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज उसको नीचे छोड़ दीजिए। सो दैट ओके डॉक्टर आई विल स्टार्ट द सल्फर फ्रॉम द नेक्स्ट वीक बिकॉज आई विल प्रिपेयर द मेडिसिन, ओके आई विल बिकम द मेंबर ऑफ यूर चैनल बाय पेइंग द अबाउट माई सन फोन। हाँ नो प्रॉब्लम सर जी, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट फ्रॉम द यूर फोन ऑल्सो, एक्चुअली वेन एवर यू गो ऑन द ज्वाइन बटन, ठीक है, ज्वाइन बटन पे जैसे भी आप जाएंगे ना ज्वाइन बटन पे बस आपको वो अपना कार्ड पंच करने का ऑप्शन देगा, तो आप जितना भी अमाउंट के साथ आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं वहां पे 3 levels हैं, यू हैव टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक लेवल को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और वो जो लेवल को आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ना उसके ऊपर वो कार्ड मांगेगा, कार्ड का आप डिटेल डालेंगे वो उतना डेबिट करके वो आपको मेंबर बना देगा। उसके बाद होगा क्या, जैसे कि वो 1 month का मेंबरशिप होता है तो वेन एवर इट इज अबाउट टू एक्सपायर, तो जब भी आप अपने यूट्यूब के इंटरफेस पे रहेंगे जब मतलब आपका मेंबरशिप खत्म होने वाला होगा तो वो आपको एक मैसेज देगा कि रिन्यू मेंबरशिप, इन द सेम मैनर यू कैन रिन्यू इट ऑल्सो, क्योंकि देखिए हमारे शिराज शेख सर जी 2 महीने के मेंबर हैं, विनी मेहता जी बहुत मतलब पुरानी मेंबर हो गई हैं, वो भी शायद 2-3 महीने हो गए हैं, रघुनंदन किशोर सर जी वेलकम है ना वो मेंबर हैं, विशाल जी मेंबर बने हैं। तो चलिए आप किसी को भी कुछ पूछना है तो बस मैं हार्डली 5 मिनट के अंदर स्ट्रीम को बंद कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप मेरे को बता दीजिए अगर कोई भी और कमेंट हो तो, ठीक है, नहीं तो अब खत्म टाटा बाय बाय, ठीक है। डॉक्टर जगदीश आई एम नॉट हैविंग द फोन पे फैसिलिटी, सो ओके ओके नो प्रॉब्लम, है ना, तो फिर आप एक चीज करना पड़ेगी सर जी कि अगर आप वहां से करेंगे हो सकता है आप अपने बेटे से पूछ लीजिएगा, मैं भी वो शायद आपको बता दें। शिराज शेख सर जी टाइफाइड वीकनेस के लिए एट इज फॉर 200 एंड ऑल्सो, ना सेलेनियम इज नॉट इंडिकेटेड फॉर दैट पर्पस, शिराज शेख सर जी सेलेनियम इज नॉट इंडिकेटेड फॉर दैट पर्पस, वो है ही नहीं, ठीक है, तो टाइफाइड की जो वीकनेस है ना उसकी सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन एसिड फॉर 200, और मेरे को तो ऐसे टाइफाइड के मरे हुए केस मिलते थे मैं जब फ्लम में प्रैक्टिस करता था कि उनको आप मानोगे नहीं, मेरे को एसिड फॉर 200 दिन में 6-6, 8-8 बार खिलानी पड़ती थी, क्योंकि वाकई में स्लम में जो टाइफाइड फैलता है ना, और आप तो स्लम छोड़िए शिराज शेख सर जी, स्लम तो छोड़ दो,
अब ये जो टाइफाइड है ना, ये तो शहरों में फैल रहा है। ये हम जैसे कि हम मैं अभी राइट नाउ इन भोपाल में जिस जगह रहता हूँ ना, ये सिर्फ भोपाल की टॉप लोकेशन नहीं है सर जी, ये भोपाल की नहीं है, एमपी के अंदर ये लोकेलिटी जो सोसाइटी है हमारी, उतनी बड़ी सोसाइटी पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है। मेरा जो कैंपस है दैट इज 141 एकर्स का कैंपस में मैं रहता हूँ, ठीक है, बहुत बड़ा कैंपस है, मिनाल रेसिडेंसी राज ग्रुप जो पेपर वाले हैं उनके कैंपस में। हमारे यहाँ टाइफाइड का आउटब्रेक फैल जाता है, सोचिए तो कहीं पे कोई खुला सीवर नहीं है, कहीं कोई खुला सेप्टी टैंक नहीं है। अब मैं वो गॉड नोस कैसे होता है, ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स आर बून फॉर ऑल, यस सर। अरे दिव्येश व्यास जी, बड़ा कठिन है शॉर्ट बनाना यार, मैं बता रहा हूँ, 1 घंटे का वीडियो एक तरफ है और ये 60 सेकंड का शॉर्ट, बाप रे बाप, बहुत फास्ट तो बोलना पड़ता है, और टेक्नोलॉजी साला शॉर्ट में ज्यादा टेक्नोलॉजी लगती है, मेरे को पता ही नहीं था। शॉर्ट इज द वेरी बिग पनौती, बहुत कठिन है। अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रोज एक शॉर्ट डालूंगा। एक एनालिटिक्स में कहीं से पता चला है कि पर डे एक शॉट 30 डेज तक डालो तो चैनल की रीच बढ़ती है। मैंने बोला ठीक है, करके देख लेते हैं। प्रेमचंद सिंह पटेल जी बोल रहे हैं, लाइक करने में क्या लगता है भाई, इतना सस्ता ज्ञान आज के समय में कहाँ मिलता है। हाँ जी, लाइक नहीं करते यार लोग, यार कतई यार। अरे आप लोग जल्दी से 1-2 लाख सब्सक्राइबर करा दो, फिर हटाओ लग, अपने को कोई नए लोगों की जरूरत ही नहीं भाई। अपन करेंगे फिर सब्सक्राइबर ओनली स्ट्रीम, सिर्फ सब्सक्राइबर ओनली, और सपोर्टर करा दो आप 100-200। जिस दिन 100-200 सपोर्टर हो गए, वीक में एक अलग स्ट्रीम होगी सपोर्टर ओनली, सिर्फ सपोर्टर आर अलाउड, और कोई रहेगा ही नहीं उसके अंदर। फिर खूब सारी बातें लपक के करा करेंगे, ठीक है ना। ओके, गुड नाइट सर, गुड नाइट जी। शिराज शेख सर जी बोल रहे, रमजान में फास्टिंग करने में आप के बताएं नेट्रम्यूरल जेंसिमियम बहुत हेल्प किया। अरे सर जी बहुत बढ़िया ना सर जी, बहुत अच्छा। एक्चुअली मेरे गुरुजी यूज टू बिलोंग टू द मुस्लिम कम्युनिटी, मैं बता चुका हूँ, है ना। डॉक्टर एस एल अली ने मेरे को यहाँ पे, भोपाल के बहुत बुजुर्ग प्रैक्टिशनर है, आज की डेट में उनकी उम्र 90 ईयर्स है, उनने मेरे को हाथ पकड़ के सब सिखाया। तो जब हम वहाँ पे जाते थे रमजानों के अंदर, तो हमने वहां से ये चीज सीखी थी कि ये मेरे को वहां से पता चला था। सर ईडी टेक का बूम चल रहा है, अमन जी बोल रहे हैं सर, ईडी टेक का बूम चल रहा है, आप भी अपने पेट कोर्सेस लाके होम्योपैथी। नहीं नहीं देखिए अमन जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, पर ये तो देखिए कमाने वाली बात हो जाएगी। आप मेरी बात समझिए ना, मेरे को कमाना सबको है, मैं 16 साल से कमा रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं आगे और ऐसा गंदा कमाने वाला हूँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं कभी पैसे के पीछे नहीं भागा। और बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि जो साला पैसे के पीछे नहीं भागता ना, पैसा खुद तुम्हारे पीछे आएगा। तो अमन जी ये करना ही नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं, जितना मेरे पास नॉलेज है ना, मैं 1-2 साल में आने वाले मैं पूरा यूट्यूब पे फ्री में देने वाला हूँ। क्योंकि मुझे ये देखिए, पेड कोर्सेस से होम्योपैथी की सूरत नहीं बदलेगी। पेड कोर्स अगर मैं कर दूंगा ना, आप लोग कितने लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं, कितना लोग पसंद करते हैं, और मेरे टोटल सपोर्टर कितने, 6। तो आपको क्या लग रहा है, जिस दिन मैं पेड कोर्स लाऊंगा कोई परचेस नहीं करने वाला उसको, और फलस्वरूप क्या होगा, मैं पड़ जाऊंगा लालच में, फिर मैं बनिए की तरह काम करने लगूंगा, और अल्टीमेटली मेरा जो मोटो है वो हो जाएगा खत्म। और मेरा मोटो है कि बिल्कुल जेन्युइन नॉलेज जो मैंने अर्जित करा है, वो एक एक चीज पूरी दुनिया तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये जो बुजुर्ग बुढ़े बात बोल के गए ना, वाकई में सही है कि ज्ञान जब मैंने बांटना शुरू करा, तो ये चैनल शुरू करने के पहले मेरे पास जो नॉलेज था, आज उसका मेरे पास 5 गुना नॉलेज हो गया, सिर्फ आप लोगों को ज्ञान देते देते। तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, होम्योपैथी की सूरत पैसे लेने से कोई पेड कोर्स से नहीं बदलेगी। होम्योपैथी की सूरत इस तरह से बदलेगी कि हम अच्छे अच्छे वीडियो, क्लिनिकल एस्पेक्ट हम लोगों का। एक बार मेरा माइंड देखिए, मेरा माइंड, मेरे कितने सब्सक्राइबर रीड कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ऐसे कम से कम 100 सब्सक्राइबर हैं जो मैं आज समझ रहा हूँ। उनके कमेंट देख के मुझे समझ में आती है ये बात, क्या आती है, उनके कमेंट देख के मुझे ये चीज समझ में आती है कि ये बंदे ने मेरा क्लिनिकल माइंड पकड़ लिया। और बस मेरे को जिस दिन मैंने ये चीज 1-2 लाख लोगों के अंदर पैदा कर दी, बस उस दिन खत्म मेरा काम, उसके बाद मेरा कोई काम नहीं। बस इतने काम के लिए ऊपर वाला मेरे को यहाँ पे भेजा है, बस इतना ही करना है मुझे, और कुछ नहीं करना। पैसे का क्या है, कमा रहे थे, कमा रहे हैं, कमाते रहेंगे। मैं 30 साल 32 साल का था, मैं 11 लाख की कार खरीद चुका था, सोचिए।
क्योंकि यही सुनते आए थे शुरू से, होम्योपैथ पैसा नहीं कमाता, होम्योपैथ ये नहीं करता, होम्योपैथ वो नहीं करता। टारगेट तो 30 साल रखा था मैंने अपने लिए कि 30 साल में 12 लाख की कार खरीदूंगा, पर वो रगड़ते रगड़ते 2 साल और हो गए मेरे को। मैंने 32 के अंदर मैंने सियाज खरीद ली थी डीजल। ऐसा नहीं है सर जी, अपन खूब ज्ञान देंगे, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे एक मजबूरी है, इधर टेक्निकल ग्लिच है। टेक्निकल ग्लिच ये है, इतना आदमी आता है जब 7,000 सब्सक्राइबर में इतनी तेज चैट चल रही है, तो आप ये सोच लो जिस दिन ये 70,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे फिर क्या होगा। और इसलिए ये चीज बोल रहा हूं मैं कि अगर हमारे सिर्फ सपोर्टर्स बन जाते हैं तो जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम अलग से एक दिन आपके लिए सपोर्टर की स्ट्रीम कर देंगे कि भाई 1 लाख सब्सक्राइबर पे अगर 100 या 200 भी सपोर्टर हैं तो 200 सपोर्टर को आराम से संभाल सकता हूं मैं 2 घंटे की स्ट्रीम में, ठीक है ना। तो बस दिस इज द पर्पस। यहाँ पे कमाने का पर्पस नहीं है, कमाने का है ही नहीं यहाँ पे भी पर्पस। यहाँ पे पर्पस है कि भाई मैं आपसे जुड़ सकूं, उठ सकूं। मैं नहीं चाहता ऐसे लोगों के कमेंट मिस करना। 10 दिन से एनल इचिंग और उसके आसपास पेनलेस दाने हो गए इमरान खान जी। सीना लीजिए और एसिड नाइट्रिक इन द 200 पोटेंसी एंड एसिड नाइट्रिक इन द 30 पोटेंसी। शुभम जी बोल रहे हैं सर जी क्राउन एरिया के स्केल पे दिख रहा है खुजली भी रहती है। बेराइटा कार्ब लीजिए ना, बेराइटा कार्ब इन द 30 पोटेंसी। एहसान खान जी बोल रहे हैं सर होम्योपैथिक दवाओं के बीच में कितने समय का अंतर। 10 मिनट सफिशियंट है एहसान खान जी। जैसे मैं ज्यादातर लोगों को मैं 2 दवाएं बता रहा हूँ तो दोनों के बीच में 10 मिनट्स का जो डिफरेंस है ना, दैट इज एम्पली सफिशियंट, बहुत सफिशियंट है वो, ठीक है। मानस कुमार जी बोल रहे हैं हाउ टू मेक माय स्किन हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम एनी स्किन डिजीज। आर्सेनिक से, आर्सेनिक इन द 30 पोटेंसी है ना। आर्सेनिक इज द ओनली मेडिसिन, सिर्फ 3 मेडिसिन है जो ये काम कर सकती हैं। अब मानस कुमार जी आपके ऊपर कौन सी अप्लाई हो रही है आप खुद देख लीजिएगा। आर्सेनिक, ग्रेफाइटस और सल्फर, तीनों को अगर लेना है को तीनों में से साथ में नहीं लेना है, कोई भी जो आपको इंडिकेटेड है 30 पोटेंसी में लीजिएगा। डॉक्टर जगदीश बोल रहे सर प्लीज शेयर यूर नॉलेज टू द मैन काइंड एंड डोंट स्टार्ट ऑनलाइन कोर्स। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। बिल्कुल मैं इस चक्कर में नहीं हूं सर जी, मैं कोई ऑनलाइन पेड वेड कुछ नहीं है, जो है खुला है, जितना आता है सब बताएंगे। और मैं एक बात बता रहा हूँ ना, कितने लोग पकड़ पा रहे हैं ये भी तो देखना पड़ेगा, मेरे को पता है कितनों को समझ में आ रही बात, तो इसलिए कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को सपोर्ट करना, आप चैनल का सपोर्टर भेज लो करो। व्हाट अदर डॉक्टर्स आर डूइंग दिस टाइप ऑफ, नहीं धंधा नहीं बनाना है ना, एजुकेशन कभी धंधा होना ही नहीं चाहिए, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, एजुकेशन की कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए, ये तो मैं मानता हूँ, ठीक है। 10 times मोर मनी देन द गॉड गिफ्टेड यू, यस सर। डॉक्टर दिव्येश सर 2 मेडिसिन साथ में अगर ना दें और अलग अलग टाइम पे दे सकते हैं, जरूरत नहीं है सर जी, 5 मिनट का गैप है बात वही हो जाती है। एक्चुअली हमने जबान पे मेडिसिन रखी, वो मेडिसिन ने हमारी नर्व को पकड़ के हमारे वाइटल पोर से जाके क्लब हो गई, 10 मिनट में उसके कोई रिमिनेंट्स नहीं बचते हैं, ठीक है। आप तक 10 मिनट, अब 10 मिनट बाद आप दे रहे हो तो भी वही बात है, और अगर आप 10 घंटे बाद दे रहे हो तो भी वही बात है सर जी। सर जी लाइव अलॉन्ग एंड बी हैप्पी, वी ऑल लव यू। अरे थैंक यू श्री राज शेख सर जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, मैं समझता हूँ आज के लिए काफी है, बहुत सारी बातें हो गई और बहुत कुछ अपन ने करा और बहुत सारी चीजें, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो मैं समझता हूँ अब इस स्ट्रीम को बंद करने का समय आ गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का अपने जिंदगी के इतने बहुमूल्य और खासकर संडे वाले दिन ये समय निकालने के लिए, 1.25 घंटा हमको देने के लिए, इस चैनल को इतना प्यार करने के लिए। चैनल पे नए आए हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं कि हाँ आपके काम का हो सकता है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे नहीं करेंगे, तो चैनल की एक्टिविटी के बारे में यू वोंट बी एबल टू नो एनी टाइम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी स्ट्रीम को बंद करते हैं और इस हफ्ते में आने वाले वीडियो और हर रविवार को रात को 9 बजे इसी तरह से होने वाली नॉलेजेबल लाइव स्ट्रीम में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।